अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो है मेकअप से रिलेटेड, लेकिन एग्जैक्टली जिस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे वो है हमारे पोर्स, जो कि यहाँ और यहाँ एग्जैक्टली होते हैं और लंबे होकर पूरे यहाँ तक चले जाते हैं, शुरू यहाँ से होते हैं। अच्छा, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो आपने बिल्कुल भी देखनी नहीं भूलनी, वो उसमें मैंने आपको पोर्स के जो है खत्म करने के घरेलू टोटके, मतलब के होम रेमेडीज बताई हैं, जो कि आपने जरूर फॉलो करनी है और कुछ अरसा फॉलो करके आप देखिएगा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपने कंटिन्यूसली आपने ये चीजें करनी है, ये नहीं दो दिन करके छोड़ना नहीं है, आप कंटिन्यू कुछ अरसा तक करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो वो वीडियो आपने देखनी है, वो पोर्स को खत्म करने का पहला स्टेप है। और मेकअप से जो है वो हम टेम्परेरी तौर पे उसको कवर करते हैं, और वो भी मैं आपको टेक्निकल बताऊंगी क्योंकि वो भी जरूरी है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि यहाँ यहाँ होते हैं, मैं आपको करीब से भी करके दिखाती हूँ, जिनके नहीं है तो वो आप लोग बहुत लकी हो, लेकिन जिनके हैं और जिनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज होती है तो वो दिखाना जरूरी है। इस तरह करके होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, जो ऑयली स्किन होती है उस पर ये काफी जल्दी अटैक कर देते हैं, मतलब कि ये काफी जल्दी नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी अगर आपकी मेरी तरह ऑयली स्किन है तो आपको पता ही हम कितना सफर करते हैं सारी जिंदगी दानों के साथ, टी जोन जो शाइन करता है उसके साथ, और ये पोर्स जो होते हैं इनके साथ हमारा बहुत सफर होता है सारी जिंदगी का। कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासतौर पर ऑयली स्किन का, और भी स्किन का आपको ध्यान रखना जरूरी है, चाहे आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन हो, लेकिन ऑयली स्किन कुछ ज्यादा ही अटेंशन मांगती है और वो आपको देनी भी चाहिए ताकि आपकी स्किन अच्छी और लंबे अरसे तक खूबसूरत दिखे। तो जो हम बात कर रहे थे उस पॉइंट की तरफ आते हैं, पोर्स दरअसल जो है क्या होते हैं एग्जैक्टली, जैसे आपने देखे अभी छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो ये एक तरह से ना एक होल सा होता है। और मेकअप की तरफ जब आते हैं हम, तो जैसे हम बेस या फाउंडेशन जैसे आप कहते हैं उसको, वो है जब हम लगाते हैं, और उससे पहले कि हमने जो इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं किए हुए होते, तो आप, मैं कहती हूँ दुनिया का महंगे से महंगा तरीन, बेहतरीन से बेहतरीन तरीन फाउंडेशन भी खरीद लें, तो अगर आपने वो पहले के कुछ स्टेप नहीं किए हुए होंगे तो आपकी जो ये जगह है यहाँ पे जो होल है वो हमेशा नजर आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये पोर्स का होल है, अगर जैसे एक गढ़ा कह लें, एक सुराख कह लें, अगर आप सुराख को फिल नहीं करेंगे और उसके अंदर अगर आप जैसे कोई चीज फेंकेंगे तो वो अंदर ही जाएगी ना, बाहर तो रहेगी नहीं। जब अगर उसको आपने सही तरीके से फिल करा होगा तो उसके ऊपर जो भी चीज रखी जाएगी या जो भी चीज लगाई जाएगी तो वो स्मूथली लगेगी। इसी तरह पोर्स का भी यही है काम, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप करना है आपने, वो दो स्टेप आपने, मैं किसी भी तरह की चीज आपको बता रही हूँ वीडियो में, जो दो स्टेप्स आपने जो करने हैं, जो कि मैं हर वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपने भूलने नहीं है, वो अपना मुंह धोना और उसके बाद क्रीम लगाना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। किसी भी किस्म का मेकअप कर रहे हो, किसी भी तरह की मैं आपको चीज बता रही हूँ, तो ये दो स्टेप तो आपने भूलने नहीं है। उसके बाद जो स्टेप आ रहा है वो है प्राइमर का। तो ये मैंने अफोर्डेबल आपको प्राइमर दिखा रही हूँ, लेकिन जो चीज आपने देखनी भी है, अगर आपको ये वाला प्राइमर नहीं मिल रहा है इस ब्रांड का, तो आपने देखना है कि उसके ऊपर पोर फिलर्स लिखा हो या पोर मिनिमाइजर लिखा हुआ हो। पोर फिलर मतलब कि बहुत आसान सा उर्दू में या हिंदी में आप कह लें कि मतलब है पोर्स को भरना और मिनिमाइज करना कि कम करना। तो ये चीजें आपने जरूर नोट करनी है, एक अगर प्राइमर आपने खरीदना है और आप पोर्स के साथ, आपको आपकी प्रॉब्लम है पोर्स के साथ, तो ये आप लेंगे। तो हम इतना सा लेंगे और मैंने ये दोनों तरफ के ले लिया, लेकिन मैं पहले आपको एक तरफ करके दिखाती हूँ यहाँ। जब लगा चुके हैं उसके बाद उसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करने से ये होगा कि वो अंदर तक जज्ब हो जाएगा और अच्छे से फिल कर देगा पोर्स को। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इधर
और इधर में बहुत फर्क है। हम लगाएंगे फाउंडेशन, तो हाई रेंज हो या अफोर्डेबल प्राइस हो वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैं कोई ब्रांड जो है आपको मेंशन नहीं करूंगी, कोई ये नहीं बोलूंगी कि ये स्पेसिफिक आपने जो है ब्रांड लेना है। तो मैं ये डबल वेयर ले रही हूँ एस्टेल ऑर्डर का, और जो ब्रश आप लेंगे वो इस तरह का है, बफिंग ब्रश है ये। हाथ के ऊपर आप फाउंडेशन लेंगे इस तरह, और यहां पे लगा के सर्कुलर मोशंस में आप इसको ब्लेंड करेंगे। इस तरह से लगाते हुए आप पूरे फेस पे लगा लेंगे, या इस तरह करने के बाद आप हल्का सा फिर अपनी उंगलियां लेंगे जो कि खुश्क हों, और उससे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ फर्क। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप आपने करना है वो आपने लेना है लूज पाउडर, चाहे वो खुला हुआ लूज पाउडर हो या कॉम्पैक्ट हो इस तरीके से, और इधर जो है आपने फेस पे लगाते हुए ब्रश इस्तेमाल नहीं करना, कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए आपने एक पफ यूज करना है। तो मैं ये पाउडर ले रही हूँ, आपने पफ पे लेना है, हमेशा झाड़ना नहीं भूलना। और उसके बाद इस तरह से आपने हल्का हल्का दबा के लगाना है। अब आप फर्क आपको दूर से भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको करीब से भी दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल वाजे है, कुछ और कहने की जरूरत नहीं। प्लीज ट्राई करें और अपना कमेंट्स मुझे देना बिल्कुल नहीं भूलें। आपकी फीडबैक जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो ये वाली वीडियो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। जिन जिन के पोर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक ये टेम्पररी सोल्यूशन है जो उनको और आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा। बाय।